जिस देश में शिक्षा समूल नष्ट की जा रही हो वहाँ शिक्षा का तो कोई मतलब है नहीं। मुझे बहुत देर से पता चला कि शिक्षा में मुझे जिन्हें पढ़ना चाहिए था उन्हें बचपन से नहीं पढ़ाया गया, और जिन्हें नहीं पढ़ना चाहिए था उन्हें हमें पढ़ाया और रटाया गया और गवाया गया। आपको कोई हराने वाला नहीं है, अगर आप खड़े हो जाए अपनी कुदाल अपना हाल अपना फावड़ा लेकर के, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपको हरा देगा। जिस देश में शिक्षा समूल नष्ट की जा रही हो वहाँ शिक्षा का तो कोई मतलब है नहीं। मुझे बहुत देर से पता चला कि शिक्षा में मुझे जिन्हें पढ़ना चाहिए था उन्हें बचपन से नहीं पढ़ाया गया, और जिन्हें नहीं पढ़ना चाहिए था उन्हें हमें पढ़ाया और रटाया गया और गवाया गया। आज हमारे बहुत सारे साथी पागलों की तरह हाथ में कलावा बांधे भूखों मर जाते हैं और हजारों हजार की भीड़ को खिलाते पिलाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? अभी बिहार से एक प्रबुद्ध मंत्री ने सवाल उठाया है जिस पर पूरे देश में बवेला मचा हुआ है। यही सवाल तो पेरियार ने कितना पहले उठाया था, और पेरियार के बाद आप सब सो गए थे। ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख और कर्पूरी ठाकुर, इन लोगों के आज स्मरण दिवस पर हमें अपने अंतर मन में झांकने की ज़रूरत है कि क्या हम सचमुच उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपकी ताकत कहाँ चली गई है? और जब तक आप में अनुशासन नहीं होगा तब तक आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप सबसे पहले अपने लोगों का विरोध करते हैं, अगर यादव है तो कुर्मी का, कुर्मी है तो यादव का, बघेल का, पाल का। आप देखिए ना कितनी खाई है आपके बीच में। आप दुनिया से लड़ने चले हैं और लड़ आपस में रहे हैं, क्या बात आप करते हैं? आप लड़ पाएंगे किसी से? आप अपने पड़ोसी से लड़के मर जाएंगे। अरे आप छोड़ना सीखिए, जिसको आप अपना मसीहा मानते हैं उन सब लोगों ने त्याग करके लड़ाई लड़ी थी। तब जा पेरियार के पास कितनी संपत्ति थी, आपके लोग संपत्ति बनाने में लगे हुए। ज्योतिबा फुले को क्या जरूरत थी, अंग्रेजों से जुड़े हुए थे, न जाने कितना ऐसा आराम करते। सावित्री बाई फुले जो कुछ आपको दी हैं, आज हम जब सरस्वती का नाम लेते हैं और सावित्री बाई फुले का नाम लेते हैं तो डर ये बना रहता है कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है हमको चार पुलिस वालों को भेज करके बंद करा सकता है। हजारों साल से एक राजा को भैंसा बना करके प्रदर्शित किया जाता रहा, उसके साथ जो जघन्य हुआ उस पर आप न जाने कितने वर्षों से अपनी बात कहते आ रहे हैं, और पशु के समान अपने महापुरुषों को आप देखते और सुनते आ रहे हैं। आप लड़ेंगे उनसे लड़ाई झूठों से? अभी कोई कह रहा था कि कोई ओबीसी बन गया। मैं अगर इत्मीनान से बात करता आपसे, अगर समय होता इस कार्यक्रम में, तो बहुत विस्तार से और बहुत थोड़े में बात करने की जरूरत है कि आप हार किससे रहे हैं। आप स्वयं से हार रहे हैं प्रभु, आपको कोई हराने वाला नहीं है। अगर आप खड़े हो जाए अपनी कुदाल अपना हाल अपना फावड़ा लेकर के, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपको हरा देगा। लेकिन आप सबसे पहले अपने लोगों को मार रहे हैं, सबसे पहले आप अपना संहार कर रहे हैं। आपको आज इस पूर्ण दिवस पर हमारे मंच पे बहुत वरिष्ठ साथी हमारे बैठे हुए हैं, मैं केवल इतना कह करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि आप जरा एक बार पेरियार के रूप में आइए ना कि क्या कर सकते हैं आप। आप जरा ज्योतिबा फुले के रूप में आइए ना। साथियों देखिए, निश्चित रूप से हमको इस तरह के मंच पर तो बात करनी ही करनी होगी, आपको आपस में बैठ करके भी बात करनी होगी। मुझे याद है एक कार्यक्रम में मुझे इसी तरह बुलाया गया था, वहाँ पर एक बड़े ओजस्वी एमपी हुआ करते थे, मित्रसेन यादव नाम था। उस सम्मेलन का विषय था सामाजिक न्याय तभी संभव है जब सामाजिक समरसता और सामाजिक आर्थिक नीतियाँ उनकी सुदृढ़ होंगी। तो मुझे ये कहा गया कि 5 मिनट में अपनी बात ख़त्म करनी है, तो मैं माननीय सांसद जी को जाके नमस्ते किया कि आप ये भी 5 मिनट ले लीजिए और बोलिए, आप धड़ल्ले से बोलिए, आप संसद में भी बोलिए और देहात में भी बोलिए, क्षेत्र में भी बोलिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप बोलिए, जिन भाई ने मुझसे अनुरोध किया है मैं उनकी वजह से एक लाइन बोल देता हूँ।
सबसे पहले हमको सामाजिक अन्याय समझना होगा। सामाजिक न्याय की परिकल्पना से पहले सामाजिक अन्याय, तो सामाजिक अन्याय की जो अवधारणा है उस पर पहले आप विचार करिए। मैं उस इलाके से आता हूँ, उन दिनों उस इलाके में जो पत्तल पर बचता था, एक कौम थी जो उससे अपना पेट भरती थी और उसी से उसका जीवन यापन होता था, उसको कहते थे बुसर, और वो लगभग समाप्त हो गया। समाप्त कैसे हुआ? क्योंकि उसके भी रोजगार पे लोगों ने लात मारा और पत्तल और दोने का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। बिल्कुल समय का ध्यान है, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और जब वो पत्तल दोने का समय खत्म हुआ तो प्लास्टिक की चीज़ें बाजार में आईं और उसको लेकर के लोग आने लगे, और पता चलता ये था कि जो पत्तल दोना मुसहर उठाता था वो खुद उठाने लगे। आपको विमर्श की ज़रूरत है और इस तरह के वक्तव्य से बहुत बातें होंगी, हम भी थोड़ा गौरवान्वित हो जाएंगे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी साथियों। सफलता के लिए छोटे छोटे लेवल पर विमर्श करना होगा और मूल मुद्दों पर लड़ना होगा। इसी के बाद आयोजकों का और जो भी साथी सुने हमें इतनी देर, उनका सबका मैं बड़ा आभारी हूँ कि मेरे जैसे बेवकूफ आदमी को भी थोड़ा मौका मिला। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।